जय हिंद स्टूडेंट। तो मेरे पास अभी है 2022 का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिखाई देगा या नहीं देगा, ठीक है ना, ये मेरे क्लास का है, ठीक है। लेकिन ये हूबहू 2022 के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। देखिए, इंग्लिश में तो लगभग हम लोग हर पार्ट को कंप्लीट किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी पैसेज पर बात नहीं किए थे। तो हम सोचे कि यदि 96 मार्क्स का बता ही दिए हैं तो क्यों ना पैसेज का भी बर्बादी स्टार्ट कर दिया जाए। क्या आई होप बेटर रहेगा? आप लिख सकते हो, हम भी जानते हैं, बट जो हम रूल इसमें बताने वाले हैं, यदि इस रूल से आप बनाते हो पैसेज तो यू विल गेट 4 out of 4। सबसे पहला रूल ध्यान रखना है, चाहे आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, चाहे आप पैसेज लिख रहे हो, चाहे जो कुछ भी जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिस टेंस में आपका पैसेज, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ रहता है, उसी टेंस में आपका आंसर भी देना रहता है। इट मींस यदि हमारा प्रेजेंट में पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन पैसेज का, जैसे देख लो व्हाट डू, तो आप जानते होगे भैया इतना दिन से डू डज पढ़े होगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट है। देन इसका आंसर भी हमारा किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इनडेफिनिट में। हम अगर डिड होता है तो पास्ट में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसमें वही हूबहू पैसेज लिया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। देखिए, एक पैसेज पूछता है, एक प्रेसिस पूछा जाता है। आप एक ही चीज पर फोकस करो ना, पैसेज ही कर लो। प्रेसिस में, क्योंकि प्रेसिस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम प्रेसिस नहीं कराएंगे, वो भी कराएंगे, अभी कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो पैसेज में क्या होता है कि आप चीजों को पढ़कर उसके अंदर से आंसर निकाल सकते हो। प्रेसिस में थोड़ा सा क्वेश्चन को, मतलब उस पढ़ना रहता है पूरा प्रेसिस को, फिर पढ़कर लगभग 1/3 पार्ट लिखना रहता है, फिर उसका टाइटल देना रहता है। थोड़ा बहुत टफ लगता है, सभी स्टूडेंट के लिए नहीं, पढ़ने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, उसके लिए नहीं। मतलब जो, मतलब नहीं के बराबर इंग्लिश जानते हैं वो पैसेज बनाते ही बनाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं, जैसे पैसेज जो था आपका सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन मीन्स रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट तो जानते होंगे, शोधन कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ मैनर इंप्रूव्ड आर्ट्स, इंप्रूव करता है आर्ट्स को। आर्ट्स का मतलब हमारे कला को, लर्निंग को, फिजिकल एंड मोरल कल्चर को। हमारे फिजिकल का मतलब शारीरिक, और मोरल का मतलब बोल सकते हैं मानसिक, ठीक है ना। मोरल और कल्चर, इट इंप्लाइज एन ऑर्डर वे ऑफ लिविंग। मतलब क्या बताता है, इंप्लाई करता है ऑर्डर वे ऑफ लिविंग, सो दैट, ताकि आवर बॉडी माइंड एंड सोल मे डेवलप प्रॉपरली, ताकि हमारा बॉडी जो है, मतलब जो हमारा शरीर है, जो हमारा आत्मा है, वो एक डेवलप प्रॉपरली, वो एक प्रॉपरली तरीके से क्या करे, डेवलप करे। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम पढ़ रहे हैं पहले पूरा, फिर बताएंगे क्या करना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एफिशियंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट एंड वेल एस्टैब्लिश्ड लॉज। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। नोबल समझते हैं, नोबल से नोबलर, ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री दोनों यूज किया हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये ना कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखें, नहीं, आपके पास सफिशियंट टाइम है भैया, पढ़िए पैसेज को, पहले पैसेज को पढ़ो, उसके बाद पैसेज का आंसर देने का प्रयास करिए। लेकिन जब भी आंसर दे तो अपने शब्द में। हम लोग क्या करते हैं, बिहार बोर्ड वाले के लिए स्पेशल, हम लोग, हम हो चाहे आप हो, हमने भी ऐसा किया था कि हम लोग खोजते हैं, पता है काजी से, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, यहां सिविलाइजेशन मीन्स ठीक है, अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब आप अपने तरीके से यदि उसका आंसर दीजिएगा ना, तो गजब, मतलब यू विल गेट डेफिनेटली 4 out of 4, नो बडी कैन स्टॉप यू। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन, आप सिविलाइजेशन से समझते क्या हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टेंस में है, प्रेजेंट इनडेफिनिट में। तो सिविलाइजेशन मींस, ऐसे करके दे दीजिए जो लिखा हुआ है, सिविलाइजेशन मींस रिफाइनमेंट ऑफ मैनर, इंप्रूव्ड आर्ट्स, लर्निंग एंड फिजिकल एंड मोरल कल्चर, ठीक है ना। एक नंबर इतना से मिल जाएगा, आगे लिखना इट इंप्लाइज, इंप्लाइज वाला छोड़ दीजिए क्योंकि सिविलाइजेशन ही पूछा हुआ है, यहां तक आपका आंसर हो सकता है। मान लीजिए इसमें तो मिल गया, जरूरी नहीं कि सभी पैसेज में ऐसे डायरेक्टली मिल जाए, दो टाइप से पैसेज भी होता है, एक सीन होता है, एक अनसीन होता है। हालांकि बिहार बोर्ड में आपका सीन ही पूछा जाता है, जिसमें आपका आंसर भी रहता है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ उसमें आंसर्स भी आसानी से इजिली आप ढूंढ सकते हो। दूसरा है,
व्हाट डज सिविलाइजेशन इंप्लाइज, किसको इंप्लाइज करता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है डज लगने से। तो आप लिख सकते हो सिविलाइजेशन इंप्लाइज किस किस चीज को, एंड ऑर्डर्ड वे ऑफ लिविंग सो दैट आवर बॉडी माइंड एंड सोल में डेवलप्ड प्रॉपरली। आ रहा बात समझ में ना, मतलब कुछ नहीं है ठीक है ना, पैसेज बहुत आसान होता है, बस उसको अपने थोड़ा सा भाषा में, अब इसमें तो दिया हुआ है तो आसानी से कर ले रहे हो ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन हम नाम लिखे नीचे की दिखाई नहीं देगा, बट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन क्या है जी। तो इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हो सब, देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इज टू मेक लाइफ नोबलर एंड मोर ब्यूटीफुल। ये तो भैया एकदम इजी पैसेज दे दिया था रे भैया, ये तो एकदम इजी पैसेज। और चौथा है मेक सेंटेंसेस विद सिविलाइजेशन, आप एक सिविलाइजेशन से क्या बना दीजिए मतलब सेंटेंस, जैसे सिविलाइज सभ्यता क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आवर सिविलाइजेशन इज वेरी ब्यूटीफुल, बस एक ब्यूटीफुल से भी सेंटेंस बनाना है, मतलब इन दोनों से सेंटेंस अगर पैसेज के अकॉर्डिंग बनाइएगा वो भी ठीक है, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग ही बना दीजिए ठीक है। इसमें प्रेसिस क्या दिया हुआ है, जब आप क्वेश्चन देखिएगा जब आप 2022 वाला सॉल्व किए होंगे, द डिसिप्लिन मींस टू फॉलो रूल्स और डू थिंग इन रेगुलर ऑर्डर्स, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू बी फॉलो डिसिप्लिन व्हाइल स्टडिंग ईटिंग और प्लेइंग। मतलब ये डिसिप्लिन के बारे में भैया टोटली दिया हुआ है, सुन लीजिए, कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है फॉलो करना रूल्स को, और टू और डू थिंग्स इन रेगुलर ऑर्डर ठीक है ना, और किसी भी थिंग को रेगुलर ऑर्डर में करना। कभी कभी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, पैसेज या प्रेसिस ना, मान लीजिए डिसिप्लिन दिया हुआ है, डिसिप्लिन आपके ना पूछा ऐसे में देता है, उसी में ऐसे भी रहता है और प्रेसिस भी रहता है, तो वो इजिली हो जाएगा लिखा लिखना, मतलब उस समय इजिली हो जाएगा, बट हर एग्जाम में नहीं देता है ठीक है ना। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे एक हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, भाग है। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट, मतलब बच्चे को पढ़ाया जाता है टू फॉलो डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, चाहे वो पढ़ रहे हो, ईटिंग कर रहे हो, प्लेइंग। एडल्ट शुड ऑल्सो लीड डिसिप्लिन लाइफ, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट विद द राइट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन ऑल आवर वेंचर्स आर सर्टेन टू सक्सीडेड। ये आपका प्रेसिस है, प्रेसिस का रूल समझो, प्रेसिस का रूल, प्रेसिस का रूल समझने का कोशिश किया जाए। कुछ नहीं होता है प्रेसिस ठीक है, उसमें क्या करना है कि लगभग वन, मान लीजिए ये लगभग आप देख सकते हैं, लगभग मान लीजिए 40 वर्ड्स के करीब दिया हुआ होगा या 30 जो भी, उसका 1/3 लिखना रहता है, सबसे पहले टाइटल, तो आप ही बताओ ना क्या होगा टाइटल इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये तो इसका टाइटल क्या होगा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो गया ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन हो गया ठीक है। और आप डिसिप्लिन मींस, अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है एक या दो पॉइंट को लिख दीजिए ठीक है ना आपका, ठीक है ना, तो आप यहां से भी 4 out of 4 मिल मतलब प्राप्त कर सकते हैं, और यहां से भी ठीक है। आप इस वीडियो को देखकर बताइए कि मतलब हमने 2-3 चीजें इसमें गौर किया कि आपको कैसे लिखना है टेंस जैसे दिया हुआ है, उसमें पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या देना है आंसर देना है। एक बार कमेंट करके बताइए क्या और पैसेजेस आपको बनवा दिया जाए, या इतना से सर हमारा काम चल जाएगा ठीक है ना। और जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस टॉपिक में अभी प्रॉब्लम है, प्लीज कॉमेंट ठीक है ना। चलिए जय हिंद।